आज हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हाल है, हमारे राज्य की सबसे बड़ी स्वास्थ्य व्यवस्था को हम लोग रिम्स करते हैं, हाईकोर्ट ने क्या कहा इसको कुछ दिन पहले याद है कि अगर आपसे नहीं समर्थता है, आपसे अगर व्यवस्थित नहीं होता है तो बंद कर दे। बताइए हाईकोर्ट का स्टेटमेंट कि अगर आप इलाज पानी नहीं कर पाते हैं तो कहे चला रहे रिम्स को। अरे भाई जब स्वास्थ्य हमारा ठीक नहीं, हमारी शिक्षा ठीक नहीं, तो क्या किसी परिवार को विधायक सांसद और मुख्यमंत्री बनाने के लिए क्या नहीं ना। इसलिए आज ये नया झारखंड, नए दौर का झारखंड, नए समय का झारखंड नया बदलाव मांगता है, नए लड़कों को विधानसभा के भीतर मांगता है। इसे हटाइए इनको बाहर कीजिए। चमको चिता के बोले था कि तुम्हें जब मुख्यमंत्री नहीं तो विधायक बने की कर भी जोरी तुम्हें मुख्यमंत्री बनवार पर जी कुछ करते नहीं पार ली तो विधायक बने की दरकार अच्छे भाई नतुन छेला के मौका दिए दाओ तो की बोला हमें की बोला चाचा तुम्हें मुख्यमंत्री छो চারটা পাঁচটা মহিলা তুমি মুখ্যমন্ত্রী তারপরে যদি তুমি এখানে সমস্যার নিদান করতে নাই পারি সে বুড়ারির ব্যবস্থা আছে তোমাকে রাজনৈতিক সন্ন্যাস আবশ্যকতা আছে আর নতুন ছেলেরা সরাইকেলার বিধানসভা আর ঝাড়খণ্ডের একাশিটা বিধানসভা নেতৃত্ব করবে। একাশি বিধানসভা নজওয়ান নেতৃত্ব করবে। क्या गलत बोल रहे हैं? या तो निर्मल बन के उनसे लड़िए या तो विधानसभा के भीतर कानून बनाइए। कहे कि वे लोग बहुत ताकतवर लोग हैं। आज देखिए प्रेम मार्दी और इनके नेतृत्व में जो दादा लोग थे दीदी लोग थे उनको 6 महीना जेल में भर दिया। कहे भाई इन लोग क्या मर्डर किया था, चोरी किया था, छिनारी किया था? कहे भाई गरीब आदमी का जमीन कंपनी ले रहा था, इन लोग आवाज उठाया था कि जमीन हमारी माँ है, जमीन हमारे बाप दादा की धरोहर है, जो हमें देकर गए हैं ये हमारे पूर्वजों की पूंजी है। हमारी सबसे बड़ी पूंजी क्या है? जमीन का टुकड़ा। सोना चांदी हीरा मोती हमारी पूंजी नहीं है। आज से 200 साल पहले हमारे पूर्वज हीरा मोती नहीं पालते थे, हमारे बाप दादा की पूंजी है, हमारे पूर्वजों की पूंजी है। और आज ये कंपनी के लोग, कंपनी के दलाल सरकार से बैठकर जबरदस्ती हमारी जमीन का अधिग्रहण कर रहे हैं। बस यही तो आवाज, क्या गलत बोल रहे हैं? इसलिए एक आवाज हमारी ये भी गूंजेगी कि यदि किसी कंपनी ने जमीन लिया है और उस जमीन पर अगर काम नहीं हो रहा है तो जमीन रैयत को वापस करना चाहिए। क्या गलत बोल रहे हैं? ठीक है, हमने आपको दिया जमीन, टाटा जमशेदपुर ने लिया, टिस्को ने, मार्टिन ने लिया, ऑटो ने लिया, ऑटो बजाज ने लिया, तो फलाना ने लिया, तो चिलाना ने लिया, लिया किस लिए जमीन लिए? जमीन आप विकास के नाम पे लिए, जमीन आप उद्योग के नाम पे लिए। यदि आप उद्योग की व्यवस्था उस जमीन पे नहीं किए हैं तो जमीन रैयत को, किसान को वापस मिलना चाहिए। बताइए आज हमारे लोगों ने टाटा जमशेदपुर को कितना जमीन दिया? 20-25 गांव का इतना जमीन लिया है। जैसे आपका गांव बड़ा कुना बेड़ा, ऐसे ऐसे 20-25 गांव का जमीन गया है। और किस लिए? अभी वो क्या कर रहा है? कहीं फुटबॉल का मैदान, कहीं क्रिकेट का मैदान, तो कहीं लेला मजनू के लिए जुबली पार्क बना दिया है। अरे भाई रोजगार के लिए नहीं है, हम रोजगार के लिए जमीन नहीं है आपको, लेला मजनू का बैठने का जगह बनाने के लिए नहीं दिए। ये गलत बोल रहे, बताइए जमीन क्या बोल के लिया गया था? हमारे बाप दादा से या दादाजी के दादाजी से क्या बोल के जमीन लिया गया था कि जमीन दीजिए यहाँ फैक्ट्री में जो नौकरी लगेगा आपके बच्चे का लगेगा? कहाँ यार झारखंड के लोग, क्या हमारी बहन लोग पढ़ी लिखी नहीं है? क्या ये इंटर पास नहीं है? क्या ये बीए पास नहीं है? क्या ये एमए पास नहीं है? नहीं है क्या? अगर हमारी बहन लोग पढ़ी लिखी है तो देख रहे हैं भर भर के बस में उड़ीसा की बहन लोग यहाँ नर्स कर प्रैक्टिस कर रही है। कहा इन लोग क्या बर्तन मांगेगी, क्या इन लोग झाड़ू पोछा करेगी? किस लिए झारखंड बना था? हम इसी सवाल का उत्तर मांग रहे हैं। यदि झारखंड बनने का उद्देश्य पूरा हो गया है तो आपको भी कहेंगे हम लोग को बिल्कुल चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन अगर झारखंड बनने का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है तो हम लोग चुनाव में भी आएंगे, चुनाव लड़ेंगे भी, और उनको तो बिल्कुल हालत खराब करेंगे, उस राज को लूटने के लिए आएंगे। कैसा सिस्टम है भाई? आज हमारे पढ़े लिखे भाई लोग, बहन लोग आज मामूली काम करते हैं,
आज कोई चपरासी का, कोई झोड़ा ढोने का काम करता है, कोई माली का, कोई बागवानी का काम करता है, और प्रदेश के लोग यहाँ एचआर के पोस्ट में काम करते हैं। अब एक सवाल लोग करेंगे कि आप पढ़े लिखे नहीं, तो कंपनी का मतलब क्या होता है? पढ़ाई की भी व्यवस्था करना, दवाई की भी व्यवस्था करना। आपने पढ़ाया क्यों नहीं? आप अगर वहाँ कॉलेज बनाए हैं, जिस कॉलेज है वहाँ 75% स्थापित का होना चाहिए, वहाँ जितना मैक्सिमम झारखंड के बच्चों का होना चाहिए था। ये बहाना मत बनाइएगा। अगर 100 सालों में 2024 में भी आप कहेंगे कि आपके लोग पढ़ नहीं पाए, तो ये टाटा का दोष है, हमारा नहीं है। आपने वो व्यवस्था क्यों नहीं बनाया, आपने वो माहौल क्यों नहीं बनाया? और ये हमारा उत्तर नहीं है, ये हमारा सवाल नहीं है। इस राज्य के राज्यपाल टाटा आए थे विजिट करने के लिए, उन्होंने पूछा था मैनेजमेंट से कि कितने झारखंड के लोग आज 100 सालों में वीसी बने हैं। वीसी मतलब वाइस चांसलर नहीं, वाइस चेयरमैन। उत्तर था जीरो। तब उन्होंने एक ही लाइन में कहा, आपका उद्देश्य झारखंडियों का विकास करना नहीं, इनका विनाश करना। बिल्कुल, आज कहीं दिमना झील में, आज कहीं बगल में चारों तरफ झील बना दिए हैं। झील कहाँ बना? झील हमारे बाप दादा की जमीनों पे बना। वहाँ हम लोग खेती करते थे, हमारे खेत डूब गए हैं, हमें क्या मिला बदले में? आपको पानी चाहिए था, आपने उस झील अपने कंपनी में, हमें क्या मिला उस झील के पानी से? हमें क्या मिला, क्या मिला हमें भाई? इसलिए आज ये पारसनाथ का टाइगर विधायक सांसद बनने नहीं आया है, झारखंड की बुलंद आवाज बनने आया है। उस आवाज से इनका हालत खराब हो जाए। यदि हमको विधायक सांसद बनना होता तो आज शाम का समय है, झूठ नहीं बोलेंगे। ये शाम का समय है, हमारे इतनी माए बहने आई हैं, हमारे अभिभावक लोग आए हैं हमको दोनों पार्टियों पर क्या एमपी चुनाव लड़ने के लिए। अभी एक सीट से नहीं कि आप बड़ा नेता है, चूज कर लीजिए, लड़ना कहाँ से है? अरे हम लोग चंपई चचा भले मुख्यमंत्री है, लड़ेंगे तो वोट थोड़ी मिलेगा। इनको लड़ना सरायकेला से ही होगा, लेकिन आज कल का लड़का हमको धनबाद गिरडी रांची तीन वो सीट ऑफर था कि जहां मान करे बबुआ आ जा हमारी पार्टी में और लड़ दो। आज हम भी शपथ ले रहे होते मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, आज हम भी शपथ ले रहे होते, लेकिन क्या फर्क होगा भाई? विधायक बन के क्या मतलब, सांसद बन के क्या मतलब, जब आप हक की बात बोल ही नहीं पाएंगे, आप सच्चाई की बात बोल ही नहीं पाएंगे? तो भैया हम लोग शेर हैं, कुकुर वाला काम थोड़ी कर रहे हैं। पारसनाथ के घने जंगलों से निकल कर आए हैं, कुकुर वाला काम करने थोड़ी आए हैं कि किसी का हड्डी लेंगे या चुपचाप दुम दबा के बैठ जाएंगे। ये हड्डी तोड़ने आए हैं। पार्टी का मतलब यही है ना कि ज्यादा बोलिएगा पीछे से उसको एक अटैची पहुंचा दी। सुने इनको भी मिलता है, अब किनको आप समझ रहे हैं? यही है पार्टी का मतलब क्या है, कि अगर कंपनी कुछ गलत काम कर रही है तो आप चुप रहिए, बदले में आपको 5 लाख का चंदा दे रहे हैं, बदले में आपको 3 लाख का चंदा दे रहे हैं। अगर हमको करना होता तो चलिए, अगर आपको जिनको विश्वास नहीं है जाके धनबाद पहुंचिए, बोकारो पहुंचिए, हर एक कोयला खदान में हमको बोलता है ये बाबू कहे बोलता है हम लोग के खिलाफ, कहे इतना तुम हम लोग के खिलाफ बोलता है, जो लेना है ले लो ना खर्चा पानी। तो आज हम लोग खर्चा पानी लेने के लिए नहीं, आपको लगता है कि खर्चा पानी से हम लोग का पेट भर जाएगा? हमें पूरा सल्तनत चाहिए, ये पूरा केजीएफ चाहिए, दो चार सोने के टुकड़े के लिए हम यहाँ नहीं आए हैं। हमें पूरा सल्तनत चाहिए, हमें पूरा केजीएफ चाहिए, हम इसलिए आए हैं। ये राज्य हमारा है, इस राज्य के लोगों का अधिकार हो, इस राज के जर्रे जर्रे में हमारे पूर्वजों का रक्त बहा है, हमारे लोगों का अधिकार हो, उस अधिकार की आवाज को बुलंद करने आए हैं। विधायक सांसद बनना होता सभी पार्टी एकदम बेसब्री से इंतजार कर रही है, अरे उतना तो छोड़े खाली टेलीफोन कर देंगे ना तो हमारा तोल पिछा के ले जाएगा। लेकिन नहीं,
वह उद्देश्य नहीं है, ना वो मकसद है हमारा। हमारा मकसद है इस राज्य के लोगों का उत्थान हो, इस राज्य के लोगों के साथ जो 24 सालों से अन्याय और जुल्म हुआ है उसका इंसाफ मिले, यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा मकसद है। हमारा उद्देश्य वही है कि निर्मल दा के सीने में जो गोली पार हुई थी, जो उद्देश्य था निर्मल दा के शहादत देने का, वो शहादत का उद्देश्य पूरा हो, हमारा ये सपना है।